नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लक्ष्मी बोलती हुई नजर आने वाली है कि आखिरकार जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, क्योंकि मलिष्का से लगातार लक्ष्मी की फाइट हो रही है और मलिष्का ने ये तक बोल दिया है ऋषि से कि तुम्हारा लक्ष्मी के अलावा किसी और पर ध्यान जाता ही नहीं है। आखिरकार इस लक्ष्मी ने तुम्हें ऐसा क्या खिला दिया है जो तुम पूरे समय लक्ष्मी के अलावा किसी और पर ध्यान रखते ही नहीं हो, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जिसके बाद में ऋषि ने बोल दिया है कि मलिष्का तुम इस बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ और तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी अभी मेरी शादी नहीं हुई, जो तुम बीवी बनने का हक जो जता रही हो वो मेरे सामने मत जताओ। आप लोग जानते ही हैं कि लगातार मलिष्का अपना प्रहार कर रही है और लक्ष्मी की बात की जाए तो लक्ष्मी कहीं ना कहीं शांत स्वभाव में बैठी है। लेकिन दोस्तों जल्दी ही आयुष के हाथ में एक ऐसी चीज़ हाथ लगने जा रही है विक्रांत की कि जिसके बाद में लक्ष्मी और विक्रांत की पूरी तरीका से शादी टूटते हुए नजर आने वाली हैं और जिसके बाद में किसी भी तरीका से ऋषि का भी कोई चांस नहीं है मलिष्का के साथ में, क्योंकि दोस्तों वाकई में ऋषि चाहता भी वैसा ही है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में आ रहे हैं कि आखिरकार होगा क्या नई जर्नी का, क्योंकि दोस्तों नई जर्नी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जर्नियों में से गिनी जा रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बात की जाए इस समय की बड़ी अपडेट की, तो इस समय की बड़ी अपडेट मिल रही है लक्ष्मी के पास से। जी हाँ, जहाँ पर लक्ष्मी बोलती हुई नज़र आ रही है इस चीज़ को कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं बुरा ही हो रहा है, क्योंकि लगातार अलग अलग चीज़ें देखने में मिल रही हैं। बात की जाए ऋषि की तो ऋषि साफ साफ खुले शब्दों में बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो हुआ है आज तक वो तो वाकई में बुरा ही हुआ है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर। जी हाँ, आप लोगों से पुनः अनुरोध करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है मेरी वीडियो आप लोगों के लिए। दिन सदर